मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे ही बजट घोषणा में पोखरण स्थित मिडवे के जीर्णों उद्धार के लिए 10 करोड़ के बजट की घोषणा की तो पोखरण वासियों के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ पड़ी। विगत 3.5 वर्षों से ताले में कैद अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे मिडवे को अपने दिन फिरने की खबर पर अब आस बंधी है। वहीं पोखरण निवासियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद देते हुए थक नहीं रहे हैं। जैसलमेर जिले के परमाणु नगरी पोखरण के जोधपुर रोड स्थित बीकानेर जैसलमेर व पोखरण रामदेवरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के तियारे पर उर्मूल परिसर के सामने सरकारी जमीन आवंटित कर तात्कालिक पर्यटन मंत्रालय के केंद्रीय उप मंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से करीब 30 से 40 बीघा भूमि पर यहां पोखरण के लाल पत्थर से कलात्मक मिडवे का निर्माण करवाया गया था। राजस्थान पर्यटन निगम की ओर से मिडवे का निर्माण करवाकर इसका नामकरण भी लुप्त हो रहा है। राज्य पक्षी गोडाउन के नाम से किया गया था तथा उसे RTDC गोडाउन मिडवे के रूप में जाना जाता है, जिसका लोकार्पण केंद्रीय पर्यटन मंत्री गहलोत की ओर से 21 जुलाई 1983 को किया गया था। गत भाजपा सरकार ने 10 दिसंबर 2017 को इस मिडवे का संचालन बंद कर दिया था, तब से मिडवे बंद पड़ा है। ये मिडवे 1983 के बाद 35 वर्षों से निरंतर चल रहा था। यहाँ आने वाले देशी विदेशी पर्यटन केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों सरकारी अधिकारियों को अच्छी सेवाएं दे रहा था। कस्बे में ये एक से एक कलात्मक सुंदर इमारत है, जिसे देखकर आज भी देशी विदेशी पर्यटन आकर्षण का केंद्र हो रहे हैं। पिछली सरकार बंद हो गया, ये तो ठेकेदारों को हथे चढ़ना था। सही टाइम पे हमने इसको बचा दिया, सरकार से पैसे भी मंजूर हो चुके हैं। अब इसका जल्दी से हम जो संबंधित विभाग है पर्यटन विभाग जो संबंधित इसके देखेगा कि इसमें हम क्या क्या अच्छा हमारे अच्छा न्यूनीकरण करना है, वो तमाम काम चीज़ करके इसको जल्दी हम शुरुआत कर देंगे। क्योंकि इसकी उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब जो पर्यटन मंत्री थे केंद्र में, तब उनके यहाँ से उद्घाटन हुआ है। तो हम भी चाहते हैं कि ये RTDC मीडियो हमारा बंद नहीं हो, इसलिए आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। पैसा भी हमने मंजूर कराया है तो इसका न्यूनीकरण भी हम कराएंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा मिडवे को लेकर जो राशि सैंक्शन की गई है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। उसको लेकर पोखरण के अंदर मिडवे जो चालू होगा उसके लेकर आने वाले सैलानियों और पोखरण की जनता को लाभ होगा। इसका प्रयास क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने किया है, इसका आभार पोखरण की जनता उनको जरूर देगी। और अशोक गहलोत ने जो ये काम शुरू किया है वो बहुत ही अच्छा है।